दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, इसको फलक ने लूट के पामाल कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। पहले शाहजहानाबाद, फिर दिल्ली और अब पुरानी दिल्ली। लाल किले और जामा मस्जिद की परछाई में बसे इस इलाके में बदलाव कुछ इस कदर हुआ है कि टांगों की नजाकत की सवारी, मेट्रो ट्रेन की रफ्तार, तकनीक और आराम के आगे कहीं नहीं टिकती। बदलाव जरूरी है, मगर उनका क्या जिन्हें इस बदलाव में कुछ छूटता सा नजर आ रहा है। आइए महसूस करते हैं बदलाव के इसी दर्द को इसी बस्ती के बाशिंदों के दिल से। बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। उर्दू फारसी के मशहूर शायर मिर्जा गालिब को दिल्ली पर बड़ा नाज था, लेकिन उनसे पहले मीर तकी मीर भी कह चुके थे, दिल्ली के कूचे ना थे और आंखें मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, आज गालिब की विरासत बल्ली मारा में काफी कुछ बदल गया है और जो बच गया है बदल रहा है। भाई मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मतलब ये ऑर्डर 60 साल पुराना है। मेरे दादा परदादा, मेरे दादा ने लिया, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर हमारे चाचा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, और ये बाजार एक टाइम में यहाँ रोने बरसती थी और अब वीराना बरस रहा है। सबसे पुराना ऑर्डर बिस्मिल्लाह ऑर्डर लिया, ये बहुत दूर चलेगा, कहाँ तो पुरानी दिल्ली का नाम ही रह गया, अब कुछ नहीं है भाई। तो पुरानी दिल्ली का नाम जो बुजुर्ग थे कुछ चल बसे, कुछ जहाँ बड़े बड़े हकीम लोग रहते थे, अब कुछ है कुछ चले गए। चांदनी चौक के आखिरी छोर पर बनी मस्जिद फतेहपुरी के बाहर कभी तांगे खड़े हुआ करते थे, लेकिन इस जगह अब रिक्शे और ऑटो रिक्शा नजर आते हैं। यहीं से थोड़ी दूर हौसगाजी चौक का तांगा स्टैंड अब नजर नहीं आता, अब कुछ दिखाई देता है तो वो है कागज की मार्केट। चावड़ी बाजार के मशहूर चाट वाले बाबूराम अपनी चार पुश्तों से ये धंधा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी ये विरासत यहीं खत्म हो जाए। हमारे पिताजी का हीरा लाल था, उनके पिताजी का रतिराम था, उनके जो है पिताजी लगाया करते थे पहले। ये हमारी चौथी जनरेशन काम कर रही है इस दुकान पे, चाट पकौड़ी यहीं की मशहूर है, इतना ही पहले वाली बात नहीं रही थी। इब्ने मरियम चावड़ी बाजार के पास ही चरखे वालान है, यहाँ के कूचों, गलियों और मोहल्लों में अपनी तमाम उम्र बिताने वाले जगदीश नारायण की आंखों की चमक अब धुंधली पड़ती जा रही है। भीड़ हो गई चारों तरफ, जो पुराना एरिया था जिनमें लोग रहते थे, अब आजकल वो सब कमर्शियल एरिया बन गया, लोगों को पुरानों को इन बिल्डर्स ने भगा दिया, पैसे ले ले करके उनमें दुकानें खुल गई। दुकानें खुल जाने की वजह से सारा कंजेस्टेड एरिया हो गया। रौनक पुरानी दिल्ली की कब हो, जब 7 बजे दुकानें बंद हो जाएं, तो उसके बाद रौनक तो आदमियों के रहने से होती है। पहले इंसानों में प्रेम था, आपसी भाईचारा था, ये बातें थी। चारों तरफ इस समय ऐसा है कि व्यापारिक सोच है, व्यापारिक सारे विचार हैं लोगों के, सिर्फ पैसे का महत्व है, इंसान का खत्म हो गया। खजान खलीफा 55 साल पुरानी इनकी इस दुकान में पहले कड़ाही का गर्म दूध, रबड़ी और इसी तरह की तमाम चीजें मिलती थी, लेकिन इनकी दुकान में अब कुछ है तो एक तराजू, थोड़ा सा दही और पुराने वक्त की ढेर सारी यादें। अब इतना यहाँ पे बदल गया है कि अब यहाँ पे आजकल के बच्चे दूध तो पीते नहीं है, या तो शराबे पियोगे या कोक कोला पियोगे, अब पहले जैसी कोई बात नहीं है। 8 बजे के बाद में तो यहाँ कोई नजर भी नहीं आता, पहले तो यहाँ पे 12, 1, 1, 2, 2 बजे, 1:30 बजे इतने पिक्चर जो नहीं खत्म नहीं हो गए, इतने यहाँ पर रौनक रहती थी। कढ़ाई का दूध आप बेचते ही नहीं, कोई बच्चे आजकल के जमाने के पीते ही नहीं। पास के बाजार सीताराम से रास्ता जाता है दिल्ली के एक दरवाजे तुर्कमान गेट का, जिसके पास ही पेचीदा गलियों में मजार है रजिया सुल्ताना की।
इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। रजिया सुल्तान की मजार। ये रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? अंदर है, अंदर। किधर को जाके? अंदर, थोड़े अंदर। और बहुत अंदर जाके? हाँ मैं बताऊँ जी। अपना दिल भी शहरे दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। उजड़ना और बसना दिल्ली का इतिहास रहा है, और इस इतिहास का आईना रही है यहाँ की संस्कृति, जिसमें बदलाव साफ देखा जा सकता है। माना हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है, मगर समझदारी इसी में है कि सौदा महंगा ना हो। कहीं ऐसा ना हो दिल्ली ना तो पुरानी बचे और ना ही नई हो पाए। यही मांगेंगे पुराना वक्त आ जाए। ये तो कोई कुदरती बात ऐसी हो कि दोबारा वो समय आ जाए तो भगवान का शुक्र है, वरना मुझे नजर नहीं आता। दिल्ली की चार दीवारी में रौनक तो वही है, लेकिन ये है कि उतनी कम हो गई है, लौट के फिर आएगी, ये गारंटी है।